बताया जा रहा है कि सांसद जी के भांजे हैं वो कब्जा किए हैं गलत तरीके से उन्होंने। कब्जा अभी तो नहीं किए हैं ना कर पाएंगे, लेकिन दुख इस बात का ज़रूर है, हम तो मीडिया के बंधुओं से भी दुखी हूँ कि 200 एकड़ ज़मीन का घोटाला हुआ है। 200 एकड़ ज़मीन का घोटाला सन 82-83 से लेकर के 87 के बीच में सब जो है फर्जी नाम चढ़ा रहे सब, यहाँ तक कि छपरा जिला का कोई है, कोई बिहार का है, कोई मुसलमान है, कोई यादव है, माने कोई ठाकुर है, माने हर जाति के जो फ्रॉड किस्म के जो सब लोग थे उस पर लगभग सौ लोगों ने 250 एकड़ ज़मीन पर अपना नाम चढ़वा लिया है। और उन्हीं जो नाम चढ़वाए थे जो लोग नाम चढ़वाए हैं भू माफिया, उन्हीं लोगों से जो है सांसद जी का भांजा 13 लोगों से लिखवाया है, एक और फिर 14वें आदमी से भी लिखवा लिया है। तो दुख इस बात का है कि जहाँ पर सैकड़ों वर्ष से पशु मेला लगता हो और उसको जानबूझ करके कोई सामाजिक जीवन का कार्यकर्ता, कोई पैसा है तो अन्य जगह भी लिखवा सकते हैं ज़मीन, इस तरह की भूमि को लिखवाना किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बहुत ही निंदनीय है और मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूं। और मेरा प्रयास चल रहा, अभी तो जांच बैठवाया था, उसमें 47 लोगों का पट्टा निरस्त भी हो गया है और फर्जी चला दिए सबकी क्लीन चिट, वो रजिस्ट्री हुआ ही यह बताया। हकीकत यह कि जिलाधिकारी बलिया ने सांसद के भय से न्याय का गला घोटा है। जिलाधिकारी बलिया हमारे यहाँ का सांसद के भय से न्याय का गला घोटा है, जो जांच करना चाहिए उस जांच को न करके दूसरा जांच कर दिया है। रजिस्ट्री हुई है ये तो हम भी कह रहे हैं, इसमें क्या जांच करना है भाई। जांच तो ये करना है कि 100-200 जो फर्जी नाम लोग चढ़वा लिए हैं वो नाम कैसे आया उस पर और वो कब से आया। तो 83 से लेकर के 87 के बीच में नाम चढ़वाए हैं लोग, चकबंदी में लेकर के कुछ लोगों का निरस्त हुआ, कुछ फिर चढ़वा लिए सब। अभी जो रजिस्ट्री हुई है उसमें भी एक आदमी का जो है निरस्त हो चुका है और फिर SDM पैसा लेकर के इसके पहले वाला माने कुछ 94 में जो है चढ़वा लिया, चकबंदी में निरस्त हुआ है, फिर बाद में चढ़वा लिया पैसा लेकर के। तो इन सब चीज़ों का जांच होना चाहिए, लेकिन मैं जिलाधिकारी बलिया के भी इस जांच को की लिपापोती करने के लिए मैं एक तरह से दुख प्रकट कर रहा हूँ और उस जिलाधिकारी ने भी अपने एक न्यायिक व्यक्तित्व को कलंकित किया है और उसने न्याय का गला घोटा है। नहीं, रामबाबू यादव के माँ और चाची के नाम से ज़मीन है, आज भी खतौनी में ज़मीन है, उसको भी जिलाधिकारी बलिया ने 145 में जब्त कर दिया, केवल सांसद के कहने से। लड़ाई है तीन एकड़ पर और जब्ती कर रहा है 6 एकड़, ये कोई बात है? तो ऐसे अधिकारी होंगे तो हमारी सरकार को बदनाम करेंगे और सरकार की तो जो बात होगी। इस मामले में आप योगी जी से भी मिले थे? वो जो योगी जी से मिले हैं, योगी जी जांच ही ना करवाएंगे? जांच टीमों भी गठित किए हैं, जांच भी चल रहा होगा कि नहीं चलोगा। लेकिन देखिए, मुझे चूंकि इस भूमि से मुझे दर्द ज़्यादा है, इस भूमि से जितना दर्द मुझे होगा अन्य किसी व्यक्ति को नहीं होगा, न जिलाधिकारी को होगा न किसी बड़े नेता को होगा। तो मुझको दर्द है तो इसलिए दर्द को मैं अपना कैसे शांत करूँगा, यह प्रजातंत्र में जो भी मैं आग्रह करता हूँ, दुराग्रह भी करता हूँ और सत्याग्रह भी करता हूँ। अब मेरा आग्रह हो चुका है, दुराग्रह करूँगा, उसके बाद भी जिलाधिकारी और प्रशासन न्याय नहीं देता है तो सत्याग्रह भी करूँगा। कोरोना जब भी समाप्त हो जाएगा सत्याग्रह करूँगा, जिलाधिकारी कार्यालय पर मेरा सत्याग्रह चलेगा। 200 एकड़ ज़मीन का घोटाला है नोएडा में, 200 एकड़ ज़मीन का घोटाला हुआ तो उसमें जो है सब भू माफिया जेल जाएंगे, और बलिया में 200 एकड़ ज़मीन का घोटाला हुआ तो भू माफिया जेल नहीं जाएंगे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी लगाए हैं सब। अब बैरिया में एक और संस्कृति विकसित हो गई है कि फर्जी स्टैंप, 5 रुपये के स्टैंप पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा करके कोई किसी का खेत लिख दे रहा है। इसमें 2-3 लोग सस्पेंड भी हुए हैं, मैं करवाया हूँ, आगे भी जांच की कार्रवाई चलेगी। मैं अभी फिर कुछ लोग रजिस्ट्री करवाए हैं, उसमें भी फर्जी जो है पावर ऑफ अटॉर्नी लगा करके कुछ जांच ही नहीं किया जिलाधिकारी ने, फर्जी जांच पावर ऑफ अटॉर्नी लगा करके लोग रजिस्ट्री करवाए, तो रजिस्ट्री ही डिफॉल्टर है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। मनमानी नहीं कर रहा है वो, मतलब
जो न्याय का गला घोट रहा है और हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा काम कर रहा है।